सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो न्याय दर्शन का द्वितीय अध्याय का प्रथम अनेक कलम ने प्रारंभ किया और इसमें संशय की परीक्षा कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं की जाएंगी उसमें सबसे पहले संशय करने की आवश्यकता होती है। तो पहले जो संशय का लक्षण बताया वो ठीक है या नहीं है उसी की परीक्षा हो जाए। तो यहाँ पूर्व पक्षी ने जो हमने संशय के लक्षण बताए थे, समान अनेक धर्मोपपत्ते विप्रतिपत्ते उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्था तश्च विशेषापेक्ष विमर्श संशय, ये जो लक्षण था तो एक एक करके इन्होंने सबका खंडन कर दिया कि समान धर्म से भी संशय उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय उत्पन्न होता है और ऐसे ही विशेष धर्म से भी संशय उत्पन्न नहीं होता है। कुछ वस्तुओं के विशेष धर्म होते ही हैं तो उससे हमें क्यों संशय पैदा होगा, और विप्रतिपत्ति से भी नहीं होता है। एक ही पदार्थ के बारे में दो प्रकार का ज्ञान हम सुनते हैं तो उससे हमें संशय नहीं होता है, हम सुन लेते हैं और वैसे ही रहते हैं जब तक कि हमें उसको जानने की इच्छा ना हो विशेष को। और उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से भी संशय नहीं हो सकता है, क्योंकि अव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यवस्थित है। अव्यवस्था का मतलब ये होता है कि कभी मिले और कभी ना मिले, तो इससे संशय होगा ही नहीं, हमें पता लग गया है कि भाई यहाँ कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो इसलिए आपने जो भी, और यदि फिर भी आप इसको संशय का कारण मानते हैं तब तो तथा अत्यंत संशय, तब तो आपका संशय कभी समाप्त भी नहीं हो सकता है, अत्यंत संशय बना ही रहेगा, क्योंकि तद्धर्म सातत्योपपत्ते है। तद्धर्म मतलब वो जो समान और अनेक धर्म हैं उनकी तो सतत उपपत्ति होती है। किसी वस्तु के सामान्य धर्म हमेशा उसके साथ रहते हैं कि नहीं रहते, रहते हैं, सातत्य उपपत्ति होती है। कभी भी कोई सामान्य धर्म जैसे मनुष्य मनुष्यत्व को कभी छोड़ सकता है क्या? तो सामान्य धर्म है मनुष्य का मनुष्यत्व, और विशेष धर्म भी सदा उसके साथ जुड़ा रहता है। एक व्यक्ति जो भी उसका विशेष धर्म है, कोई विशेष धर्म का मतलब होता है कि वो पुरुष है या स्त्री है, तो ये एक विशेषता हो गई। उसमें भी फिर कोई आचार्य है कोई किसान है, तो ये विशेष धर्म भी उसके साथ हमेशा रहता ही है ना। तो वस्तुएं अपने सामान्य धर्म और विशेष धर्म से कभी भी अलग नहीं होती हैं। तो तद धर्म सातत्योपपत्ते है, उस धर्म की सतत उपपत्ति होने के कारण फिर तो आपका संशय सदा बना ही रहेगा। इसलिए आपने जो संशय की लक्षण बताए थे उन धर्मों के रहते संशय उत्पन्न नहीं होता है। येन कल्पेन भवान समान धर्मोपपत्ते संशय इति मन्यते तेन खलु अत्यंत संशय प्रसज्यते। येन कल्पेन, जिस प्रकार से, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है और सिद्धांती को कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने समान धर्मोपपत्ते संशय इति मन्यते, समान धर्म की उपपत्ति होने से संशय उत्पन्न होता है ऐसा जो आपने माना था, तेन खलु उससे तो अत्यंत संशय प्रसज्यते, उससे तो फिर अत्यंत संशय बना ही रहेगा, कभी संशय की समाप्ति ही नहीं होगी फिर तो, क्योंकि समान धर्मोपपत्ते अनुच्छेदात, समान धर्म के उपपत्ति का कभी अनुच्छेद नहीं हो सकता है, कभी समान धर्म हट नहीं सकता है वस्तु से, तो इसलिए संशय अनुच्छेद,
तो फिर तो संशय की भी कभी समाप्ति नहीं होगी, अनुच्छेद नहीं होगा। नहीं अयम अतत् धर्मा धर्मी विमृश्यमाणो गृह्यते, क्योंकि विमृश्यमाण आपके द्वारा विमर्श किए जाते हुए नहीं अयम अतत् धर्मा धर्मी गृह्यते, कभी भी ये जो धर्मी है ये अतत् धर्मा तो गृहित नहीं होगा। अतत् धर्मा माने उसमें सामान्य विशेष धर्म ना हो, ऐसा तो कोई धर्मी कभी भी प्राप्त नहीं होगा, कभी गृहित ही नहीं होगा ऐसा। तो सततम तो तद धर्म भवती इति, सतत ही सामान्य धर्म तो कम से कम सतत उसके साथ बने ही रहते हैं। चलो विशेष धर्म हम कह भी दें कि भाई कभी कभी उसमें चेंज आता है, लेकिन सामान्य धर्म तो कभी भी नहीं हटता है, तो फिर तो संशय क्या हो जाएगा, अत्यंत संशय हो जाएगा। तो ये पांच सूत्रों में पूर्व पक्षी ने संशय के लक्षण के ऊपर आक्षेप किए हैं, उसका खंडन कर दिया। अस्य प्रतिषेध प्रपंचस्य संक्षेपेण उद्धारः। तो कितनी सुंदर पंक्ति है देखो, कह रहे हैं ये जो प्रतिषेध का प्रपंच था पांच सूत्रों में बढ़ा चढ़ा के उसका खंडन किया गया, उसका संक्षेपेण उद्धार, संक्षिप्त में उत्तर दे रहे हैं। एक ही सूत्र में पांचों का उद्धार कर रहे हैं। तो आरोप लगाने वाला व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है, तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को वो विस्तार देता है हमेशा, दोष दिखाने वाला। और समाधान करने वाला क्या करता है, ताड़ का तिल बना देता है, वो पहाड़ को राई बना देता है, दूसरा राई का पहाड़ बनाता है तो पहाड़ को राई बना देता है, राई को भी रुई बना देता है। जिसको समाधान करना होता है वो बड़ी बड़ी समस्याओं को भी क्या कहता है, कोई नहीं है तो होता रहता है सब, ये कोई खास समस्या नहीं है, उड़ा देता है उसको दो मिनट में, कोई बात नहीं। और जिनको समस्या बढ़ानी होती है वो, अजी सब लोग ऐसे कह रहे हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, हमारे जैसे संगठन में कोई छोटी सी बात हो तो बहुत सारे कार्यकर्ता उस चीज़ को लेके, अजी आज वहाँ पुतले फूंक दिए, वहाँ ऐसे लिखा था, वो ऐसे चल रहा था सोशल मीडिया पे, ऐसे चल रहा था, उसको इतना सारा बढ़ा देते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं ठीक है, क्या है, वो अपना काम कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, ख़त्म, एक ही वाक्य में ख़त्म सारा। तो यहाँ पर जिनको उद्धार करना होता है वो सब बड़ी बड़ी चीज़ों को भी संक्षेप से लेते हैं, और उसको जितना तूल देना चाहिए उतना दे के हटा के निश्चिंत हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर सिद्धांती एक ही सूत्र में पांचों का उत्तर दे रहे हैं। यथोक्त अध्यवसायादेव तद विशेषापेक्षात संशये न संशय नात्यंत संशयो वा। कह रहे हैं जो हमने कहा है यथोक्त अध्यवसायाद एव, इन्होंने आक्षेप क्या लगाया था, समान धर्म से संशय नहीं होता, समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है। तो बोले हमने तो अध्यवसाय से ही कहा है, हमने सूत्र में जो हमने कहा है यथोक्त अध्यवसायाद एव, अध्यवसाय से ही संशय होता है, यही हमने कहा है लक्षण में। वो कैसे कहा, तद विशेषापेक्षात, हमने ये कहा समान धर्मोपपत्ते विशेषापेक्ष, तो विशेष की अपेक्षा होगी ही तब जब समान का अध्यवसाय हो जाएगा, उससे पहले तो विशेष की अपेक्षा हो ही नहीं सकती है। तद विशेषापेक्षात संशये, और जब विशेष की अपेक्षा होगी तो संशये, संशय होगा ही, और उस संशय के उत्पन्न होने पर न असंशय, आप ये नहीं कह सकते कि संशय नहीं होता है, ना तो असंशय की स्थिति रहेगी और न अत्यंत संशय होगा, और सदा संशय बना रहेगा ऐसा भी नहीं है, जैसे ही विशेष का दर्शन होगा संशय मिट भी जाएगा। तो ना तो असंशय की स्थिति आएगी, क्योंकि संशय उत्पन्न होगा ही, सामान्य धर्म को जान लिया तो विशेष को जानने की इच्छा होगी ही, और ना ही अत्यंत संशय रहेगा, जैसे ही विशेष को जान लेंगे तो संशय समाप्त भी हो जाएगा। तो आपके ये सारे जो प्रपंच था दोषों का, ये आपने हवा में बना दिया ऐसे ही। संशय अनुत्पत्ति संशय अनुच्छेदश्च न प्रसज्यते, कह रहे हैं संशय की अनुत्पत्ति भी नहीं होगी। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, संशय की उत्पत्ति नहीं होगी, संशय उत्पन्न ही नहीं होगा, बोल नहीं संशय तो उत्पन्न होगा, संशय की अनुत्पत्ति नहीं होगी, और
संशय अनुच्छेदश्च। और फिर बोल भाई संशय होगा तो फिर तो बना ही रहेगा आपका तो हमेशा, क्योंकि समान धर्म तो कभी छोड़ते नहीं वस्तु को। तो बोले नहीं बना भी नहीं रहेगा, संशय अनुच्छेदश्च, संशय का अनुच्छेद सॉरी अनुच्छेदश्च न प्रसज्यते, ये एक न और आएगा अनुच्छेदश्च। संशय की अनुत्पत्ति भी नहीं होगी और उसका अनुच्छेद भी नहीं होगा, अर्थात उच्छेद भी होगा उसका, संशय हटेगा भी। कथम कैसे? यत्तावत् समान धर्माध्यवसाय संशय हेतु न समान धर्म मात्रमिति। कह रहे हैं जो हमने लक्षण में बताया है, यत्तावत् समान धर्म अध्यवसाय, समान धर्म का अध्यवसाय माने उसका जानना, ये संशय हेतु, ये संशय का हेतु है। न समान धर्म मात्रमिति, समान धर्म मात्र संशय का हेतु नहीं है, बल्कि हमने क्या कहा है सूत्र में लक्षण में, समान धर्म का अध्यवसाय ये संशय का हेतु है, ये उत्तर पक्षी बोल रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है एवं एतत्, मैं भी तो ऐसे ही कह रहा हूँ, अध्यवसाय से होता है। कस्माद एवं न उच्यते इति, तो जब आपको पता ही है तो आपने लक्षण में ये बात बताई क्यों नहीं कि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है, ऐसे आपने क्यों नहीं बताया? तो कह रहे हैं बता तो दिया, विशेषापेक्षा इति वचना तत्सिद्धे, समान धर्म का अध्यवसाय विशेषापेक्षा जो शब्द हमने कहा है इसी से वो सिद्ध हो रहा है। कैसे सिद्ध हो रहा है? विशेषस्य अपेक्षा आकांक्षा सच अनुपलभ्य माने विशेषे समर्था। कह रहे हैं विशेष के जो अपेक्षा है, विशेष को जानने की या आकांक्षा है, सा वो आकांक्षा अनुपलभ्य माने विशेषे न, सा आकांक्षा अनुपलभ्य माने विशेषे, जब तक विशेष नहीं मिल जाएगा तब तक न समर्था भवति, तब तक वो समर्थ ही नहीं होगी, माने तब तक वो संशय को उत्पन्न करने में समर्थ ही नहीं होगी। संशय उत्पन्न होगा ही तब जब हमने उसके सामान्य धर्म को तो जान लिया है, अध्यवसाय हो गया और विशेष की अपेक्षा है। कोई वहाँ पर खड़ा है ठूंठ जैसी लंबाई चौड़ाई, तो सामान्य धर्म तो पता लग गया कि ये ठूंठ के भी सामान्य धर्म है, ये मनुष्य के भी हैं। अब हमें जानने की इच्छा होगी ही कि वास्तव में ये स्थाणु है कि पुरुष है। तो ये जो आकांक्षा है, विशेष की आकांक्षा, ये समर्थ ही तब होगी जब पहले सामान्य को जान चुकी होगी। तो ये हमने कह ही दिया विशेष अपेक्षा से। न च उक्तम समान धर्मापेक्षा इति, कह रहे हैं आपने ये तो नहीं कहा ना कि समान धर्म की अपेक्षा से, समान धर्मापेक्षा इति, समान धर्म की अपेक्षा से, ऐसे तो नहीं कहा ना। तो कह रहे हैं समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवेत यद अयम अप्रत्यक्ष स्यात्। अकार छूटा हुआ है यहाँ पर, है ना, यद अयम अप्रत्यक्ष स्यात् ऐसे आएगा। समाने च धर्मे, कह रहे हैं देखो समान धर्म की अध्यवसाय हो जाने पर, समान धर्म के देख लिए जाने पर, अनुभूति हो जाने पर, कथम आकांक्षा न भवेत, ये आकांक्षा क्यों नहीं होगी, कौन सी आकांक्षा? यद अयम अप्रत्यक्ष स्यात्, जो ये इसका विशेष धर्म या सामान्य धर्म भी अप्रत्यक्ष स्यात्, अप्रत्यक्ष होवे, यदि ये सामान्य धर्म इसका अप्रत्यक्ष हो तो आकांक्षा क्यों नहीं होगी जानने की कि ये है क्या। तो समाने च धर्मे, समान धर्म के होने पर भी आकांक्षा तो होगी, कथम न आकांक्षा भवेत, आकांक्षा कैसे नहीं होगी, यदयम प्रत्यक्ष स्यात् यदयम अप्रत्यक्ष स्यात्। जब ये समान धर्म भी या तो अप्रत्यक्ष हो तो भी आकांक्षा होगी, और समान धर्म तो दिखाई दे रहा है, विशेष नहीं दिख रहा है तो भी आकांक्षा तो होगी। एतेन सामर्थ्येन विज्ञायते समान धर्म अध्यवसायात् इति, तो जब ये आकांक्षा उत्पन्न होती ही है तो इस आकांक्षा के सामर्थ्य से पता चलता है
कि समान धर्म अध्यवसायात इति, समान धर्म का अध्यवसाय हो चुका है, समान धर्म को जान लिया है व्यक्ति ने और विशेष दिखाई नहीं दे रहा है, विशेष अप्रत्यक्ष है, तो विशेष अप्रत्यक्ष है तो फिर आकांक्षा होगी कि विशेष को जानूं कि ये स्थाणु है या तो पुरुष है। दूसरा समाधान दे रहे हैं उपपत्ति वचनात्वा। पहला उस समाधान क्या दिया कि सूत्र में हमने विशेष अपेक्षा पढ़ा है ना, तो विशेष की अपेक्षा होगी ही तब जब समान का अध्यवसाय हो जाएगा, पहला समाधान। दूसरा समाधान सुन लो, मतलब समस्या एक समाधान अनेक। दूसरा समाधान है उपपत्ति वचनात्वा, जो हमने सूत्र में उपपत्ति का समान अनेक धर्मोपपत्ति ऐसे कहा ना, तो बोल उपपत्ति का मतलब ही क्या होता है, प्राप्ति अध्यवसाय। समान धर्मोपपत्ति इति उच्यते नैचे अन्य सद्भाव संवेदनात्रिते समान धर्मोपपत्ति रस्ति। तो बोले समान धर्म की उपपत्ति जो हमने कहा है तो वो सद्भाव संवेदनात्रिते नैचे अन्य समान धर्मोपपत्ति। समान धर्म की उपपत्ति का मतलब क्या है, सद्भाव की संवेदना जो वहां पर है, सद्भाव सत्ता का भाव जो भी सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है उसकी संवेदना के बिना अन्य उपपत्ति क्या हो सकती है। उपपत्ति का मतलब ही क्या है, जो वहां है उसका संवेदन माने उसको जान रहा है व्यक्ति, सामान्य धर्म को अनुभव कर रहा है, संवेदन कर रहा है। नैचे अन्य सद्भाव संवेदनात्रिते, सद्भाव की संवेदना के अतिरिक्त समान धर्मोपपत्ति च न अन्य, समान धर्म की उत्पत्ति कोई दूसरी वस्तु नहीं है बल्कि जो समान धर्म वाली वस्तु है उसको जानना, ये ही क्या है उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब ये होता है सद्भाव की संवेदना। अनुपलभ्यमान सद्भावो ही समानो धर्मो अविद्यमानवत भवती थी। अगर वो सद्भाव की संवेदना ना हो, अनुपलभ्यमान हो सद्भाव की संवेदना, तब तो अनुपलभ्यमान सद्भावो ही समानो धर्मो अविद्यमानवत भवति, फिर तो होते हुए भी वो अविद्यमान के समान है। यदि हमें किसी वस्तु, हमारे सामने है कोई वस्तु और हमें उसके सद्भाव की भी संवेदना यदि नहीं है, सामान्य धर्म भी यदि उसके हमें अनुभूति में नहीं आते हैं, तब तो उस वस्तु का होना और ना होना बराबर ही है ना। फिर तो हमें विशेष की अपेक्षा होगी ही तब जब हम वहां पर जो वस्तु सामान्य रूप से, उसके जो सामान्य धर्म है उसके सद्भाव की हमें संवेदना होगी, उपपत्ति होगी। तो ये दूसरा उत्तर इन्होंने दे दिया, दूसरा समाधान दे दिया। तीसरा, इसका मतलब जो हमने लक्षण बनाया वो बिल्कुल ठीक बनाया है, क्योंकि हमने लक्षण में भी कह दिया समान धर्मोपपत्ति, उपपत्ति का मतलब ये है कि हमें उसके सामान्य धर्म का अध्यवसाय हो गया। अब तीसरा दे रहे हैं समाधान, विषय शब्देन व विषयिण प्रत्यस्य अभिध्यान प्रत्यस्य अभिधानम। और कह रहे हैं विषय शब्देन, किसी समान धर्म रूपी जो विषय है उसको कहने वाला जो शब्द है, समान धर्म रूपी विषय को कहने वाला जो शब्द है उससे विषयिण, उसका जो वाच्य है उस वाच्य विषय का प्रत्यस्य अभिधानम, उसका ज्ञान हो ही जाता है, वाच्य विषय का ज्ञान हो ही जाता है विषय शब्द से। जैसे यथा लोके, जैसे लोक में भी हम देखते हैं धूमेन अग्नि अनुमीयते, शब्द क्या बोला जाता है, धुएं से अग्नि का अनुमान होता है। तो यहाँ पर धुएं से अनुमान होता है, इसका मतलब क्या है, धूम दर्शनेन अग्नि अनुमीयते, पहले धुआं का दर्शन होता है तब अग्नि का अनुमान होता है। तो दर्शन शब्द तो पढ़ा नहीं जाता ना, लेकिन लोक में कहा क्या जाता है, धुएं से अग्नि का अनुमान होता है। तो इसका अर्थ क्या है, धुआं के दर्शन से अग्नि का अनुमान होता है, तो अंडरस्टूड है ना वहां पर दर्शन शब्द। तो यहां भी समान धर्म से संशय होता है, इसका मतलब समान धर्म की उपपत्ति से या अध्यवसाय से संशय होता है, ये कहना है। तो कह रहे हैं यथा लोके, जैसे लोक में भी हम कहते हैं धूमेन अग्नि अनुमीयते इति इत्युक्ते, ऐसा कहे जाने पर धूम दर्शनेन अग्नि अनुमीयते इति ज्ञायते,
तो सब जानने वाले भी जान लेते हैं कि धुआं के दर्शन से अग्नि का अनुमान होता है। कथम, कैसे? दृष्ट्वा ही धूमम अथ अग्नि अनुमिनोति न अदृष्टे। क्योंकि जब व्यक्ति धुआं को देख लेता है तभी तो अग्नि का अनुमान करता है कि भाई धुआं उठ रही है तो जरूर अग्नि भी होगी। जब धुआं ही नहीं दिखा, अदर्शन है धुआं का, तो अग्नि का अनुमान भी नहीं होगा। नैचे वाक्य दर्शन शब्द श्रूयते, लेकिन इस वाक्य में दर्शन शब्द तो सुना नहीं जाता है। वाक्य में तो क्या सुना जाता है? धूमेन अग्नि अनुमीयते, इतना ही सुना जाता है। नैचे वाक्य दर्शन शब्द श्रूयते, अनुजानाति च वाक्यस्य अर्थः प्रत्यायकत्वम्। लेकिन न सुने जाने पर भी अनुजानाति, सुनने वाला भी जानता है और बोलने वाला भी जानता है वाक्यस्य अर्थ, इस वाक्य का जो अर्थ है उसको सुनने वाला भी जानता है और बोलने वाला भी जानता है। अर्थ प्रत्यायकत्वम, अर्थ का जो ज्ञापकत्व है इस वाक्य से, वो बोलने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी जानता है बिना दर्शन शब्द के भी। तेन मन्यामहे, तो इससे मान लेना चाहिए कि विषय शब्देन, विषय शब्द मतलब जैसे इस उदाहरण में कहेंगे धूम विषय शब्देन, धूम विषयक शब्द से, विषयिण, विषयिण माने धूम का ज्ञान, प्रत्यस्य अभिध्यानम बोद्धा अनुजानाति। तो जो वो बोल रहा है उसको जो जानने वाला है वो अनुजानाति, जान लेता है। बोलने वाला बोलता है धूमेन अग्नि अनुमीयते, और सुनने वाला भी उससे समझ जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। एवं इह अपि, वैसे ही यहाँ भी समान धर्म शब्देन, जो सूत्र में हमने लक्षण बनाया था समान धर्मोपपत्ते, तो समान धर्म इस शब्द से, समान धर्म अध्यवसायम आह इति। समान धर्म का मतलब क्या है? समान धर्म का अध्यवसाय, समान धर्म के अध्यवसाय से विशेष की अपेक्षा होने पर संशय की उत्पत्ति होती है। और आगे कह रहे हैं यथा उहित्वा, उहा मतलब तर्क, तर्क से भी ये कहा था समानम अनयो धर्मम उपलभे इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशय अभाव इति। कह रहे हैं आपने तर्क करके, उहा करके क्या कहा था? समानम अनयो धर्मम उपलभे, इन दोनों के समान धर्म प्राप्त हो रहे हैं। किन दोनों के? स्थाणु के भी और पुरुष के भी। दोनों के जब समान धर्म उपलब्ध हो रहे हैं तो संशय क्यों होगा, ऐसे कहा था ना पूर्व पक्षी ने। तो कहा समानम अनयो धर्मम उपलभे इति धर्म धर्मी ग्रहणे, तो धर्म भी ग्रहण हो गया, धर्मी भी ग्रहण गृहित हो गया, तो संशय अभाव है, संशय तो होगा ही नहीं, संशय का अभाव रहेगा। तो कह रहे नहीं, ये यहाँ पर समान धर्म ग्रहण नहीं हुए थे, बल्कि पूर्व दृष्ट विषयम एतत्, ये जो धर्म ग्रहण हो रहे हैं ये तो पहले देखा हुआ विषय है, अब स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है उसको। पहले उसने देखा था कि मनुष्य की लंबाई इतनी होती है, चौड़ाई इतनी होती है, स्थाणु की भी लंबाई इतनी होती है, चौड़ाई इतनी होती है, तो अब इसको पता लग रहा है कि ऐसा ही कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वो जो ज्ञान है सामान्य का भी, वो क्या है? पहले देखा हुआ, पूर्व दृष्टम, पूर्व दृष्ट विषयम एतत्, या वहम अर्थौ पूर्वमद्राक्षम तयो समानम धर्मम उपलभे विशेषम न उपलभे इति। ये कहता है कि यौ अहम अर्थौ, जिन दोनों पदार्थों को, स्थाणु को भी और मनुष्य को भी, पूर्वम अद्राक्षम मैंने पहले देखा था, तयोः समानम उनके समान, जो पहले देखे थे मैंने पुरुष को देखा था उस पुरुष के समान, स्थाणु को देखा उस स्थाणु के समान, तयो समानम धर्मम उपलभे, उन दोनों के जैसे समान धर्म यहाँ पर देख रहा हूँ, विशेषम न उपलभे, और विशेष धर्म प्राप्त नहीं हो रहा है दोनों में से किसी का भी। इति कथम नु विशेषम पश्येयम्, तो कैसे मैं इन दोनों में से किसी एक के धर्म को देख लूं, या तो कोई हाथ आदि हिलता हुआ दिख जाए तो पता लग जाए कि पुरुष है, या तो इसकी किसी टहनी पे कोई पक्षी बैठा हुआ दिख जाए तो पता लगे कि स्थाणु है,
कथन्नु विशेषम पश्येयम्, कैसे मैं विशेष को देखूं, ये न अन्यतरम अवधारयेयम् इति, जिससे कि मैं दोनों में से एक का अवधारणा कर लूं, निश्चय कर लूं। न च एतत् समान धर्मोपलब्धौ धर्म धर्मी ग्रहण मात्रेण निवर्तते इति। तो ये जो संशय है, एतत् ये संशय, समान धर्मोपलब्धौ, समान धर्म के उपलब्ध हो जाने पर, धर्म धर्मी ग्रहण मात्रेण, एक सामान्य धर्म भी दिखाई दे रहा है और उसका धर्मी भी दिखाई दे रहा है, तो इतने मात्र से न निवर्तते इति, संशय निवृत्त नहीं होगा, बल्कि संशय तो उत्पन्न हो जाएगा, बढ़ जाएगा संशय तो, कि भी इनमें से मैं ध्यान से देखूं कि ये स्थाणु है कि पुरुष है। यच्च उक्तम न अर्थांतर अध्यवसायाद अन्यत्र संशय इति। और करें, जो आपने अगला आक्षेप लगाया था हमारे ऊपर, अगला आक्षेप इन्होंने क्या लगाया था कि भाई आपको स्थाणु के सामान्य धर्म दिखाई दे रहे हैं और संशय कहाँ हो रहा है, पुरुष में। तो बोले अन्यतर का देखा हुआ, अन्यतर में संशय कैसे हो सकता है, रूप दिखाई दे रहा है तो स्पर्श में संशय कैसे हो सकता है। तो ये आपने कहा था यथोक्तम, जो आपने कहा था न अर्थांतर अध्यवसायात, किसी दूसरे के अध्यवसाय से अन्यत्र न संशय इति, अन्यत्र संशय नहीं हो सकता है, ऐसा जो आपने कहा था, तो उसका उत्तर ये है, यो हि अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम संशय हेतुम उपाददीत स एवं वाच्य इति। जो कोई व्यक्ति अर्थांतर के अध्यवसाय मात्र से, अर्थांतर के अध्यवसाय मात्र को संशय हेतुम उपाददीत, संशय के हेतु के रूप में रख रहा है, स एवं वाच्य, उसको ये उत्तर देना, हमने तो ऐसे कहा ही नहीं, हमने तो संशय का लक्षण बताते हुए सूत्र में ये नहीं कहा कि किसी अन्य वस्तु को देख करके अन्य वस्तु में संशय होता है, हमने तो ये कहा ही नहीं लक्षण में, जिसने कहा है उसको ये उत्तर देना आप। तो कभी कभी उसके भाषा में भी उत्तर देते हैं, ये उत्तर देने का तरीका है। यत् पुनः एतत् कार्य कारणयोः सारूप्यभावात् इति। और अगला इन्होंने आक्षेप क्या लगाया था कि कारण और कार्य में सरूपता का अभाव होता है, क्योंकि कारण तो निश्चित होता है और कार्य तो अनिश्चित स्वरूप वाला होता है, ये कहा था ना इन्होंने। तो कह रहे हैं यत् पुनः एतत् कार्य कारणयोः सारूप्य अभावात् इति। आपने कहा था कार्य कारण के सारूप्य का अभाव होने से, तो उसका उत्तर ये है कारणस्य भावाभावयो कार्यस्य भावाभावौ कार्य कारणयोः सारूप्यम्। तो बोले पहले आप कार्य कारण के सारूप्य को समझ लो, फिर उसके अभाव के बारे में बोल देना आप। कार्य कारण का सारूप्य क्या होता है, कारणस्य भावाभावयो, कारण का भाव या अभाव होने से कार्यस्य भावाभावौ, कार्य का भी भाव या अभाव हो जाता है, ये कार्य कारणयोः सारूप्यम्, ये कार्य और कारण का सारूप्य है। यस्य उत्पादात उत्पद्यते, यस्य च अनुत्पादात यन्नोत्पद्यते तत्कारणम्। यहाँ अल्पविराम लगा लें। कारण किसको कहते हैं, यस्य उत्पादात, जिसके उत्पन्न होने से उत्पद्यते, यस्य जो उत्पन्न हो जाता है, माने मिट्टी के होने से घड़ा उत्पन्न हो जाता है। यस्य च अनुत्पादात, और जिसके उत्पन्न न होने से यन्नोत्पद्यते, जो उत्पन्न नहीं होता है, तत्कारणम उसको कारण कहते हैं। तो मिट्टी के होने से घड़ा होता है, न होने से नहीं होता है। तो ये है कार्यम इतरत इति एतत् सारूप्यम्। तो ये कार्य कारण का सिद्धांत है और ये इनकी सारूप्यता कहलाती है कार्य कारण की। अस्ति च संशय कारणे संशये च एतत् इति। तो जो हमने संशय का कारण बताया, वहाँ पर ये सारूप्यता, ये समान धर्मता, उसका ज्ञान वहाँ पर है। संशये च एतत् इति, और संशय रूपी जो कार्य है, संशय रूपी कार्य माने जिसमें विशेष धर्म का ज्ञान नहीं है, सामान्य धर्म का तो ज्ञान है, वो तो हो गया कारण, और विशेष का ज्ञान नहीं है वो हो गया कार्य। तो ये इनमें सारूप्यता तो है।
एतेन अनेक धर्म अध्यवसायात इति प्रतिषेध परिहृत इति। तो कह रहे हैं ये हमने जो इतने आपको परिहार दिए हैं, समाधान दिए हैं, ये समान धर्म को लेकर के दिए हैं, और एतेन और इसी समाधान से ही अनेक धर्म अध्यवसायात विशेष धर्म के अध्यवसाय से भी संशय उत्पन्न होता है, उसका भी जो आपने प्रतिषेध किया था वो भी परिहृत इति मंतव्यम, उसका भी परिहार हमने कर दिया है, समान धर्म के साथ साथ विशेष का भी ऐसा मान लेना चाहिए। यत् पुनः एतदुक्तम विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच्च न संशय इति। और जो आपने कहा था कि विप्रतिपत्ति से भी संशय नहीं होता है और अव्यवस्था अध्यवसायाच्च, अव्यवस्था को जब हमने जान ही लिया है तो उससे भी संशय नहीं होता है, तो इसका उत्तर सुन लीजिए। पृथक प्रवादयोः व्याहतम अर्थम उपलभे विशेषम च न जानामि न उपलभे येन अन्यतरम अवधारयेयम्। कह रहे हैं पृथक प्रवादयोः, परस्पर विरुद्ध जो प्रवाद, दो प्रवाद हो, एक व्यक्ति कहता है आत्मा है, दूसरा कहता है आत्मा नहीं है, ऐसे में पृथक प्रवादयो व्याहतम अर्थम उपलभे, विरुद्ध अर्थ को कोई व्यक्ति प्राप्त हो रहा है, विशेषम च न जानामि और विशेष को वो जानता नहीं है, तो फिर विशेषम च न जानामि न उपलभे प्राप्त नहीं कर पाता है, येन अन्यतरम अवधारयेयम् जिससे कि किसी एक का वो अवधारण कर ले कि आत्मा होती है कि नहीं होती है, या ठूंठ है कि पुरुष है, कोई एक मिले तो अवधारण हो जाए। तत् को अत्र विशेष स्यात्, यहाँ पर क्या विशेष हो सकता है, येन एक तरम अवधारयेयम् इति संशयो विप्रतिपत्ति जनितो अयम् न शक्यो विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति मात्रेण निवर्तयितुम् इति। तो ये संशय तो होगा ही उस व्यक्ति जिसके सामने दो प्रकार का विरुद्ध कोटि का ज्ञान है और वो चाहता है कि इसमें से एक का पता लग जाए ताकि मैं ये जान लूं कि ये पुरुष है या स्थाणु है या शरीर में आत्मा होती है या नहीं होती, तो ये तो संशय होगा ही। तो इस विप्रतिपत्ति को आप संप्रतिपत्ति मात्र कह दें तो इससे इस समस्या का निवारण नहीं हो सकता है, विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति मात्रेण निवर्तयितुम न शक्य। एवं उपलब्धि अनुपलब्धि व्यवस्था कृते संशय वेदितव्यम इति। और इसी प्रकार से उपलब्धि की और अनुपलब्धि की, उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था कृत जो संशय उत्पन्न होते हैं वो भी उत्पन्न होंगे। आप उपलब्धि या अनुपलब्धि को एक अव्यवस्था अपने स्वरूप में स्थित है ऐसा मान करके उसको निवृत्त करना चाहें तो वो निवृत्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने सभी इनके आक्षेपों के उत्तर दे दिए। थोड़ा भाष्य बचा है, इसको फिर हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः।